We are discussing about how to displaying factors of a given numbers, all possible factor. But in that case, we want to discussing about displaying how to displaying prime factors of a numbers. What do you mean by prime factors of a numbers? For examples, अगर किसी भी numbers के respect में कहें any number one से divide करना possible, number itself always divide करना possible होगा. Means सबसे पहले इस case में इस problem को sort out करेंगे. सबसे पहले find out करें given number is a prime factors, sorry, given number is a factor of a given required number or not. और जो भी आपने number runtime पर keyboard से enter किया any number, सबसे पहले इस केस में टेस्ट क्या करेंगे, इसके ऑल फैक्टर्स वन बाय वन सारे फैक्टर टेस्ट करेंगे. अगर कोई भी नंबर इसका फैक्टर है देन फैक्टर के बाद टेस्ट करेंगे मींस गिवन फैक्टर प्राइम नंबर रखने. अगर प्राइम नंबर है देन प्लस फैक्टर देन इस केस में कंसीडर करेंगे एज प्राइम फैक्टर्स. व्हाट इज द मीन बाय दैट प्रॉब्लम्स इन दैट केस. फॉर एग्जांपल्स इन केस ऑफ 12 के केस में बात करें, सपोज दैट वी आर एंटरिंग नंबर एज 12 के केसेस में पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, एक्सेप्टिंग 1 and number itself, accepting one or number itself. Means one के अलावा means prime number हमेशा start कहाँ से हो, 2 से. सबसे पहले check करें इस case में 2. 2 इस case में 2 क्या है? 2 is a valid factor of 12 or because 12 को 2 से divide करना possible है. Then 2 इसका factor भी plus factor के साथ साथ prime number भी है. पहले next one check किसके लिए करें, 3 के लिए. Next coming number क्या है? 3. 3 के केस में बात करें, 3 इस केस में क्या है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12 एज वेल एज 3 इज आल्सो प्राइम नंबर देयरफॉर वैलिड. नेक्स्ट वन 4 के केस में बात करें, 4 12 का फैक्टर तो है लेकिन 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर. नेक्स्ट वन 6 12 का फैक्टर. अगर 6 से पहले 5 के केसेस में बात करेंगे तो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12 देयर आर therefore we don't want to discussing about 5 or non factors. 6 is a factor but 6 is not a prime number. 7 8 9 12 up to 12 ke kis baat karun, 12 kya 12 is also valid factor for 12 because 12 ko 12 se divide karna possible hai plus 12 is not a prime numbers therefore is case mein expected output kya display hoga, only 2 and 3 that one. इस टेस्ट में से फाइनली किसी भी एंटर नंबर के रिस्पेक्ट में टेस्ट क्या करेंगे, वन बाय वन फैक्टर. अगर गिवन नंबर फैक्टर है देन टेस्ट आउट करेंगे गिवन नंबर इज और गिवन फैक्टर इज प्राइम नंबर और नॉट. मींस फाइनली इस केस में स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट स्टेप एंटरिंग रिक्वायर्ड नंबर्स वॉइड मैन डिक्लेयरिंग रिक्वायर्ड वेरिएबल्स इन टीजर. लूप को इटरेट करने के लिए यूज क्या करेंगे, आई सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ, समथिंग नंबर जिसको टेस्ट करना है या जिसके फैक्टर टेस्ट करना है. देन नंबर्स के बाद सबसे पहले इसके फैक्टर्स किस फॉर्म में मैनेज करेंगे, आई के फॉर्म में. सपोज दैट आई इज अ फैक्टर ऑफ नंबर, आई अगर फैक्टर देन आई के रिस्पेक्ट में टेस्ट करें, आई इज अ प्राइम नंबर और नॉट. देन आई के रिस्पेक्ट में प्राइम नंबर टेस्ट करने के लिए अगेन रिक्वायर्ड क्या, वन मोर लूप. देयरफॉर वी हैव रिक्वायर्ड टू इटरेटिव वैल्यूज. क्यों, इस केस में रिक्वायर्ड क्या हुआ, नेस्टेड लूप. बिकॉज जस्ट आफ्टर एंटरिंग नंबर, नंबर एंटर करने के जस्ट बाद सबसे पहले लूप इटरेट करें. इस लूप का पर्पज क्या रहेगा, चेकिंग गिवन नंबर इज अ फैक्टर मीन्स चेकिंग फैक्टर्स और ऑल फैक्टर्स. ऑल फैक्टर मीन्स अगर कोई नंबर फैक्टर जनरेट होता है, फैक्टर के केसेस में मीन्स मैनेज किसके थ्रू हो रहा है, आई के थ्रू. देन नेक्स्ट टाइम टेस्ट क्या करेंगे, एज प्राइम और नॉट, इज प्राइम और नॉट. फाइनली इस केस में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के टोटल कितने लूप्स रिक्वायर्ड हैं, 2 लूप्स. सबसे पहले चेक करेंगे फैक्टर, फैक्टर है देन टेस्ट करेंगे प्राइम नंबर, अदरवाइज प्राइम नंबर टेस्ट करने नीड नहीं है. नेक्स्ट वन 4 लूप, देन रीडिंग वैल्यू फॉर नंबर, पोर्ट्स एंटर नंबर, पोर्ट्स एंटर नंबर. नंबर रीड डाउन करने के जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मेकिंग लूप्स, परसेंट डी एम परसेंट ऑफ नंबर. नंबर रीड डाउन होने के जस्ट बाद नेक्स्ट रिक्वायर्ड क्या है, नंबर अवेलेबल. अब चेक क्या करना है, डिस्प्लेइंग ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर. मीन जस्ट प्रीवियस सेशन में फैक्टर कैलकुलेट किए थे, सिमिलर टास्क अगेन फैक्टर टेस्ट करना है. फैक्टर टेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड किया हुआ सम लूप, इस केस में 1 को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसलिए लूप स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स बिकॉज 1 इज ऑल्सो फैक्टर. देन
I less than equals to number I plus plus, एवरी टाइम आई वैल्यू से डिवाइड किसको करेंगे, आई के केस में डिवीजन किससे होगा इसका, आई से डिवाइड करें नंबर को, मीन्स इफ इस इफ कंडीशन, अगर नंबर को आई से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो मिल रहा है देन इस केस में नंबर करंट वैल्यू ऑफ आई, करेंटली आई कंसिडर होगा एज अ फैक्टर ऑफ नंबर, बिकॉज नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा जीरो, अगर जीरो आ रहा है देन कंसिडर किया हुआ आई इज अ वैलिड फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, मीन्स आई फैक्टर तो है लेकिन अभी तक ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि आई फैक्टर के साथ साथ फैक्टोरियल नंबर है कि नहीं, मीन्स अगर कंट्रोल इफ के अंदर आए इस केस में वन मोर थिंग क्लियर है, आई इज अ वैलिड फैक्टर फॉर गिवन नंबर, अगर आई फैक्टर है देन टेस्ट क्या करेंगे आई इज प्राइम नंबर और नॉट, नेक्स्ट कंडीशन आई के रिगार्डिंग में अप्लाई करेंगे फॉर चेकिंग प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है एवरी टाइम स्टार्ट कहाँ से करते फ्रॉम टू, इसको आई को डिवाइड कब तक करेंगे जब तक मीन्स आई डिवाइडेड बाई टू एवरी टाइम जे प्लस प्लस लाइक दैट, प्लस इस केस में एक्सटर्नल प्लेस पर यूज करने के लिए मीन्स यूज के अप्लाई क्या करेंगे कंडीशंस, तो इसलिए एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल रिक्वायर्ड हो फ्लैग वेरिएबल एफ, इनिशियली एफ के केस में इनिशियलाइजेशन करेंगे एफ इक्वल्स टू वन, मीन्स कंसिडर करेंगे बाई डिफॉल्ट करेंट आई वैल्यू इज अ प्राइम नंबर, अगर इस केस में इनर लूप के अंदर कंडीशन है मीन्स सिंपली अभी अप्लाई क्या करूँ चेकिंग गिवन नंबर इज अ प्राइम और नॉट, मीन्स ऑलरेडी मैं प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ, नेक्स्ट वन इफ आई मॉड्यूलो जे इक्वल इक्वल जीरो, अगर आई का वैल्यू जे से डिवाइड हो रहा है कंसिडर करेंगे आई इज नॉट अ प्राइम नंबर, अगर आई प्राइम नंबर नहीं देन इमीडिएटली एफ में असाइन कराएंगे एज अ जीरो देन ब्रेक दिस लूप, इस लूप को ब्रेक करने के लिए यूज क्या करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट देन लूप ब्रेक होने के जस्ट बाद कंट्रोल का सेंड हुआ आउटसाइड आउटर लूप इनर लूप, इनर लूप के बाद जस्ट टेस्ट कर लेंगे इफ वैल्यू ऑफ एफ, अगर एफ का वैल्यू वन फाउंड हो रहा है देन कंसिडर क्या हुआ इन दैट केस इनसे पर्टिकुलर कंडीशन राइट डाउन कहाँ करेंगे इन दैट प्लेस, अगर एफ का वैल्यू वन फाउंड हो रहा है इस केस में फाइंड आउट क्या करेंगे सिंपली प्रिंट एफ डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ आई displaying value of i, yes, इस केस में कंसिडर क्या हुआ i वैल्यू, मीन्स अगर f का वैल्यू वन फॉर्म हुआ देन कंडीशन टू हो जाए टू होने पर डिस्प्ले कर जाए i, लेकिन इस केस में एक प्रॉब्लम है सपोज दैट f का वैल्यू वन है बट i इज नॉट अ प्राइम नंबर, अगर i प्राइम नंबर ही नहीं है इन दैट केस सॉरी i इज अ प्राइम नंबर, इस केस में प्रॉब्लम क्या आ सकता है मीन्स अगर f का वैल्यू वन है इन दैट केस, अगर i वैल्यू प्राइम नंबर नहीं है, दूसरा केस सपोज दैट आई इज नॉट अ फैक्टर, फैक्टर नहीं हो तो उस केस में इफ कंडीशन ऑलरेडी टेस्ट आउट कर चुके हैं, मीन्स फर्स्ट इफ कंडीशन कैसा है चेकिंग फॉर आई इज अ वैलिड फैक्टर और नॉट, अगर आई वैलिड फैक्टर दोनों ओनली लूप एग्जीक्यूट हो, लूप एग्जीक्यूट होता है एफ में क्या आसान हो जाएगा वन, अदरवाइज एफ में कुछ भी आसान होने चांसेस नहीं है, मीन्स इफ कंडीशन भी इफ के अंदर अप्लाई करें इसलिए केस कैसा वैलिड, देयर इज नो मिस्टेक इस फाइन इस पर्टिकुलर केसेस के थ्रू या लॉजिक्स के थ्रू किसी भी नंबर्स के ऑल प्राइम फैक्टर डिस्प्ले कराना पॉसिबल, आप इसको इटरेट भी कर सकते हो इस डिफरेंट फैन इनपुट्स के रिस्पेक्ट में, सपोज अगर आप 12 एंटर करोगे 12 के केस में लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा फ्रॉम 2 टू 12 नेक्स्ट वन, लेकिन इफ कंडीशंस कितने केसेस में ट्रू है एवरी टाइम 12 डिवाइड किससे हुआ इफ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट टाइम 12 किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, नेक्स्ट टाइम 3 से, अप टू कब तक डिवाइड हुआ आई वैल्यू, और आई वैल्यू लास्ट कहाँ तक जा रहा है अप टू 12 लाइक दैट, तो इस केस में आई के जितने भी वैल्यू जनरेट होंगे अगर कोई कंडीशन मीन्स टू के केस में कंडीशन कैसा है टू से डिवाइड हो रहा है थ्री से डिवाइड हो रहा है इस अदर नंबर से भी डिवाइड हुआ तो इस केस में एवरी टाइम टेस्ट क्या हुआ गिवन केस टेस्ट हो रहा देन स्टार्ट पे कंडीशन चेक आउट करें डिस्प्ले कर आइदर प्राइम और नॉन प्राइम लाइक दैट।